if in the bag total amount is 95, then find out total number of coins of each designation in the bag. क्या मैंने बोला? उसके बाद मैंने कहा 25, फिर उसके बाद मैंने बोला 25 पैसे एंड 50 पैसे आर इन द रेशियो ऑफ 2:3. वो आप लिखना भूल गए. इन द बैग देर आर 25 पैसा, 50 पैसा एंड 1 रुपी क्वाइन, बट 25 पैसा एंड 50 पैसा आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड 50 पैसा एंड 1 रुपीज आर इन द रेशियो ऑफ व्हाट? In the ratio of 2:5. Ratio kya hota hai? Tell me, what is the ratio? Comparison between two same variables. Yes, Ruhani. What you are doing? Comparison between two different variables. 4:6:15 correct hai, uske baad wrong hai. You are correct till 4:6:15. After that it is completely wrong. Huh? Oh, I don't know. बस मैं इतना भी बता सकता हूँ, यू आर डूइंग करेक्ट और नॉट. चलो टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, मैं बता देता हूँ यार, नहीं कर पाओगे, आई नो दैट. दीज आर द मैथड्स आर ओल्ड मैथड्स. वो आपको क्या करता है? परेशान करता है. दीज मैथड्स आर व्हाट? मैथड्स विच मेक यू व्हाट? So here I said that, हमने क्या कहा था? अभी मैंने कहा था कि perhaps you remember that 2:3:5 में कितने रुपीज दिया था मैंने? इस में 150 रुपीज. एंड हाउ मच ए बी एंड सी विल गेट? तो हमने बोला एड ऑल द रेशियो एंड देन यू हैव डिवाइडेड बाई 10 एंड देन व्हाट यू गॉट? 15 एंड 15 इंटू 2 30, 15 टू 3 45, 15 इंटू 5 आई सेड दैट 75. लेकिन आप 150 upon 10 यही है ना? यस आर नॉट? बी इक्वल्स टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 upon 10 इक्वल्स टू 150? यस, टेल मी. यस आर नॉट? इसी प्रोसेस को जो मैंने यहां पे देखा है, कैन आई राइट लाइक दिस 2x + 3x + 5x = 150, 10x = 150, then x = 150 upon 10, कैंसिल आउट 15, 2x में 2 × 50, वही चीज है ना? थिंग्स आर द सेम. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 50, जो मैंने यहां पे केवल आपको स्टोरी के फॉर्म में समझाया था मैंने. यस आर नॉट? सो आई हैव टेकन इन वन एक्स एज एन कॉन्स्टेंट वैल्यू विच आर कॉमन इन द ऑल द रेशियो. यस आर नॉट? जनरली वी हैव टू टेक, इस तरीके से हम लोग आते हैं और ये सभी सेम वेरिएबल में, दे ऑल आर इन द सेम वेरिएबल. चलिए हम लोग देखते हैं. अभी मैंने क्या कहा, ये तो क्लियर हो गया. यस आर नॉट? वी हैव टू टेक इन एक्स, जो कि मैंने आपको डायरेक्ट कराया था. That you have seen, like what is in a direct? Yes, tell me. 2:3:5. I said that 150. Actually, me they have an x, and then 10 could jo maine divide kiya, it is the value of x, and then yahan pe maine multiply kar diya.
आपकी मर्जी और किसी में कन्वर्ट कर लेना। मैंने दो क्वेश्चंस ऐड किए हैं इसमें आपको, अभी मैंने आई टॉट यू कंसेक्यूटिव रेशियो, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। यस और नो? आप लोग पूछ रहे थे सर कंसेक्यूटिव रेशियो से क्या फायदा होगा, समझ में आ रहा है क्या फायदा होगा? यदि मैं एक और पॉइंट जोड़ देता 20 पैसा, तो चार कंसेक्यूटिव हो जाते, 3 आपको कन्वर्ट करना पड़ता। तो कंसेक्यूटिव रेशियो का यहां फायदा होता है, धीरे धीरे करते जाएंगे कहां कहां कैसे कैसे होगा, दैट यू शुड। मैं तो केवल एक अभी फैसिलिटेटर हूं, सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू फैसिलिटी दैट हाउ टू डू इट। तो हम लोग यहां आते हैं, दैट इज आई सेड दैट हमने क्या किया था, यस टेल मी, 2:3 में कौन सा क्वाइन है, यस टेल मी, अरे टेल मी, 25:50 पैसा। उसके बाद मैंने बोला था यस टेल मी 50 पैसा एंड 1 रुपये, इट इज इन द रेशियो ऑफ 2:2। ये ध्यान में रखिएगा, ये जो बॉर्डर है सेम है, तभी आप यहां पे 2 रख रहे हैं। यदि मैं बोल देता 50 पैसा, यदि मैं बोलता 1 रुपी एंड इट 50 पैसा इन द रेशियो ऑफ 5:2, तो ये आपका गलत बॉर्डर बन जाता। क्लियर? आपको सेम क्वाइन को एक साइड में रखना है। तो ये 50 पैसा वाला क्या रखोगे आप, यहां लाओगे, और जैसे 50 पैसा होगा तो 2 विल आल्सो कम दिस साइड, इज इट क्लियर? सो बॉर्डर पे क्या होना चाहिए, सेम डिजिग्नेटेड क्वाइंस। Understood? So I said that 50 paisa, and you know that there is a 2:5, and this is for 1 rupee. So what you got? Just tell me. 4:15. Yes. So आपको क्या मिला? 2 2 जा 4. 4:6. Sorry, हाँ. 3 2 जा 6 and 3 5 जा 15. यही मिला आपको? ये सबने किया? All of you have done? क्या किया? यस टेल मी फर्स्ट, 4:6:15। आपने देखा था, आपने क्या मैं बोल रहा था, ध्यान रखेंगे एट द बॉर्डर सेम डिजिग्नेटेड क्वाइन शुड बी देयर एट द बॉर्डर। यहां पे कौन सा है, विच क्वाइन इज देयर, 25 पैसा, दिस वन इज, एंड दिस वन इज 100 पैसा, यस और नॉट? 1 रुपी को कैन आई राइट 100 पैसा और नॉट? यस, कैन आई राइट लाइक दिस? वहां पे जो 2:3:5 छोटे छोटे नंबर दिख रहे थे, यहां पे थोड़े बड़े बड़े नंबर, सो कैन आई राइट लाइक दिस, इज इट ओके? सो कितने हो गए, कितने क्वाइंस हैं? यस टेल मी, 25 पैसा के कितने क्वाइंस हैं? 25 पैसा के कितने क्वाइंस हैं? Suppose you have an 4x. Suppose I have said that 25 paisa coins are 4. How many rupees? 25 ko 5 paisa ke kitne coins hai aapke paas? 4 coins. So how many money you have? 1 rupee. 25 into 4. To paisa kaisa niklega? Multiply with the coins with the number of coins. Value of the coin multiply with the number of coins. 50 paisa ke, you have 10 coins. Tell me how much? 5 rupees. 500 paisa. Aapne kya kiya? 15 into 10, 500 paisa. Simply, main bhi yehi karne ja raha hoon. Kitne coins hai 25 paisa ke? 4x. And how many coins of 50 paisa? And how many coins of 100 paisa? In sabko add kar dunga, that will become 95 rupees or not. To main kya karunga? Just tell me. 100x. Everything is in the paisa. Everything is in paisa. 300x. Total coins kitne 50 paisa ke? Tell me. 6x. Yes or not? So total value kya hogi? 300x. 100 paisa ke kitne coins hai? And total money aapko kitni hai? Everything should be in the same variable. Yes or not? So, मैंने सबको पैसा 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 से क्या करते हो? So I said that. Is it clear? मैंने क्या किया, समझ में आ गया? सबको पैसा में, and that become 1900x. That become yes, tell me. And 9500. 00 cancel. 19 5s. So x equals to. So how many 25 पैसा? 4 into 5, 20 coins.
25 पैसा कितने हैं टेल मी, इससे इजिएस्ट मेथड नहीं मिल सकता यदि कभी आपने लाइफ में किया हो। एंड देन 50 पैसा के कॉइन्स कितने होंगे, 6x, यस 6x मीन 6 × 5 30। एंड 1 रुपी के कितने कॉइन्स हैं, 15x, 15 × 5 75। समझ में आया? चलो करो, पैसे में सबको कन्वर्ट कर दो, ऑटोमेटिकली द थिंग्स विल बिकम इजियर। सो राइट डाउन द क्वेश्चन। अब फिर मुझे बनाना पड़ेगा यार। बैग देर आर क्वाइंस ऑफ 25 पैसा, 50 पैसा एंड 1 रुपी। इन ए बैग देर आर क्वाइंस ऑफ 25 पैसा, 50 पैसा एंड 1 रुपी। 25 पैसा एंड 50 पैसा आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड 50 पैसा एंड 1 रुपी in the ratio of 4:3 if in the bag total money is 119 rupees, then find out 119 then find out number of each designated coins, number of